हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा पोषण अभियान चलेगा। और इस पोषण अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन कोई ना कोई गतिविधि आपको अपने केंद्र पर आयोजित करनी होती है और उसकी फीडिंग पोषण अभियान का जो पोर्टल है उस पर करनी होती है, फ़ोटो अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज 2 सितंबर है, आज क्या गतिविधि है, कैसे आपको पोषण अभियान के जो पोर्टल है उस पर फीड करनी है, पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं जो हमारा गतिविधि कैलेंडर विभाग की ओर से जारी किया गया है उसमें देखते हैं कि आज 2 सितंबर को क्या क्या गतिविधि दी गई है। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो गतिविधि कैलेंडर है आपके सामने यहाँ पर खुल चुका है। और यहाँ पर हम प्रथम सप्ताह, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इधर जो ये अवधि दी गई है इसमें यहाँ पर लिखा है प्रथम सप्ताह 2 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा थीम क्या रहेगा। इसमें दोस्तों हमारा थीम है वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी दोस्तों हमारा ये 2 सितंबर से 7 सितंबर तक हमारा मुख्य थीम रहेगा। और इस थीम के अंतर्गत क्या क्या दोस्तों हमारी गतिविधि हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस थीम के अंतर्गत यहाँ पर 4 गतिविधि दी गई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 दोस्तों ये 4 गतिविधि दी गई हैं। पहली है दोस्तों यहाँ पर वृद्धि माप की सत्यापन पर्यवेक्षक CDPO या किसी अन्य द्वारा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर वृद्धि निगरानी संवर्धन पर जागरूकता सत्र। तीसरी है दोस्तों यहाँ पर वृद्धि निगरानी अभियान स्वस्थ बालक स्पर्धा सैम मैम स्क्रीनिंग। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पर हमारी शहरी मलिन बस्तियों पर आधारित वृद्धि निगरानी अभियान स्वस्थ बालक स्पर्धा सैम मैम स्क्रीनिंग। तो दोस्तों ये हमारी 4 गतिविधि हैं जो हमारी थीम है वृद्धि निगरानी, इसके अंतर्गत ये 4 गतिविधि हैं जो हमें 2 सितंबर से और 7 सितंबर तक अपने केंद्र पर आयोजित करनी है और इनके फ़ोटो हमें डैशबोर्ड पर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये तो हो गई हमारी जो फिक्स हैं, इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ गतिविधि हमारी ऐसी हैं इन पर आप लास्ट में देखोगे यहाँ पर लिखा है पूरे माह, पूरे माह। तो दोस्तों ये 4 थीम हमारे ऐसे हैं जिन इन 4 थीम के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि हैं उन्हें हमें पूरे माह आयोजित करनी है। दोस्तों वो थीम है हमारा ऊपरी आहार, पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, जन संवेदीकरण गतिविधियाँ और पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों ये 4 जो हमारे मुख्य थीम हैं इनके अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ आती हैं उनको दोस्तों हमें पूरे माह आयोजित करनी है और उनके फ़ोटो आपको डैशबोर्ड पर फीड करने हैं। तो दोस्तों गतिविधि और थीम की जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आज कौन सी गतिविधि और कौन सा थीम है। अब दोस्तों चलते हैं अपने जो पोषण अभियान का हमारा पोर्टल है उस पर बताएंगे आपको क्या गतिविधि आपको सेलेक्ट करनी है, क्या थीम आपको सेलेक्ट करनी है और कैसे उसको अपलोड करना है। तो दोस्तों उसके लिए चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ से दोस्तों सभी के फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होता है और दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आसानी से सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है पोषण अभियान, POSHN पोषण अभियान लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। ऐसा सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे पहले वेबसाइट आपके सामने ये आ जाएगी पोषण अभियान जन आंदोलन, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पोषण अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ भी आ रहा है पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2024। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, डैशबोर्ड, गैलरी और डाटा एंट्री। आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डाटा एंट्री लॉगिन का पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा, लेकिन अगर आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने कार्यालय से संपर्क कीजिए, जो आपके CDPO हैं
सुपरवाइजर्स हैं या और जो भी आपके कार्यालय में हैं वहाँ से आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म, प्लीज़ फिल द बिलो पार्टिसिपेंट्स फॉर्म। तो दोस्तों ये गतिविधि का जो ये फॉर्म है ये हमें यहाँ पर एक एक करके सबमिट करना है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी जानकारी जो है वो बता दूं। यहाँ पर देखो दोस्तों, जहाँ पर आपको ये एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको केवल उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर फीड करना होगा, बाकी जहाँ पर ये एरो का निशान नहीं है वे ऑटोमेटिक पहले से फीड हैं, आप उन्हें कुछ भी छेड़खानी उनके साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऑप्शन है ग्रुप का, ग्रुप में यहाँ पर पोषण माह ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर थीम का। अब दोस्तों जैसे हम थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी थीम है वे यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। अब दोस्तों गतिविधि कैलेंडर में मैंने आपको अभी दिखाया था, वहाँ पर जो हमारा पहला थीम है 2 से 7 सितंबर वह था दोस्तों हमारा वृद्धि निगरानी। तो दोस्तों वृद्धि निगरानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमें 2 से 7 सितंबर तक इसी थीम को सिलेक्ट करना है और इसके अतिरिक्त जो दोस्तों अभी मैंने कैलेंडर में आपको बताई थी कि जो पूरे माह गतिविधियाँ उन्हें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में दोस्तों यहाँ पर पहले से ही फीड है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर लेवल। लेवल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, ब्लॉक और AWC। तो आप जिस भी लेवल से फीडिंग कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आंगनबाड़ी केंद्र फीडिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर AWC सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है सिलेक्ट AWC। तो हम सिलेक्ट AWC पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका केंद्र है उसको यहाँ से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर केंद्र को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारी बारी आई है एक्टिविटी। यहाँ पर सिलेक्ट एक्टिविटी पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो भी हमारी एक्टिविटी होंगी, जो हमने ऊपर थीम सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटी हैं सब यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 गतिविधि दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर ये आ गई हैं। इनमें से जो भी आप अपने केंद्र पर आयोजित करेंगे, जो भी आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग में दिखाई गई है ग्रोथ मैनेजमेंट वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर CDPO और बाय एनी अदर, तो सबसे पहले हम इस पर ही क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट और टू डेट में दोस्तों हम आज ही की दिनांक को सिलेक्ट करेंगे, 2 तारीख को। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है पार्टिसिपेंट्स डिटेल्स। पार्टिसिपेंट डिटेल्स में दोस्तों जो भी प्रतिभागी वहाँ पर रहे होंगे आपकी गतिविधि के अंतर्गत उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ दोस्तों, चारों बॉक्स में आपको संख्या दर्ज कर देनी है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आ जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अपलोड पिक्चर। अपलोड पिक्चर में दोस्तों जो भी गतिविधि आपने केंद्र पर आयोजित की है उसका आपने फ़ोटो ज़रूर लिया होगा, उस फोटो को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको जैसे ही आप ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो गैलरी खुल जाएगी, वहाँ से आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर फ़ोटो आपका 2 MB से ज़्यादा का है तो उसको यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है कि कैसे फ़ोटो का साइज़ कम करें मात्र 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में दोस्तों आपका फ़ोटो का साइज़ कम हो जाएगा, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसको आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए और फ़ोटो का साइज़ कम करना सीख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको जो भी गतिविधि आपने की है उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग को यहाँ पर फीड किया था तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग। और लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं लिख दूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सॉरी यहाँ पर कुछ रहेगा दोस्तों, ये है एडोसेंट प्लस, ये हम यहाँ पर भूल गए थे। और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो दोस्तों ऐसे ही आपको आज की गतिविधि को कंप्लीट करना है।
और गतिविधि थीम जो भी है मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, कैसे आपको सेलेक्ट करना है और किस तरीके से फिटिंग करनी है, पूरी जानकारी मैंने दोस्तों आपको वीडियो में दे दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी अपनी फीडिंग को कम्प्लीट कर सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। और दोस्तों अगर आपको गतिविधि कैलेंडर चाहिए तो मैंने अभी अपने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको गतिविधि कैलेंडर चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।